पुलिस अधिकारी बाद में पहले अभिभावक स्वरूप आपसे यही कहना चाहेंगे कि देखिए जो वार्ता हुई है बहुत मेहनत से ग्रामीण आंदोलन के लिए तैयार है। अगर ग्रामीणों के बीच से अगर किसी लोग आप ले जाते हैं सर, इससे क्या होता है कि आने वाले दिन आंदोलन करने में विश्वास भी टूट जाएगा। और अक्सर आंदोलन इसी प्रकार का होता है कि मैंने दब जाता है या तो फिर बिक जाता है। तो हम लोग चाहते हैं, देखिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ गैदरिंग ज़्यादा है और आपको लग रहा है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो भी प्रबंधन आएंगे उनको अगर डिस्टर्ब होगा, तो हम आपको भीड़ का अगर डर लग रहा है तो हम लोग 100 मीटर पीछे चले जाते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। और बाकी आप 100 मीटर दूर या फिर कंपनी जो कंपनी का भीतर आप गेट लगा दीजिए, उसके बाद आप 20 महिलाएं और 2 पुरुष रहेंगे जो जानकारी रखते हैं उनको लेकर आप वार्ता कीजिए। लेकिन वार्ता मेरा मानना है किसी ग्रामीण का क्षेत्र बुरा खापका उसी में की, जिससे क्या होगा अक्सर कि लोगों का विश्वास रहेगा क्योंकि आंदोलन इस सब टूट जाते हैं। आंदोलन हम यहाँ से यहीं के जो आज मैंने तो यही वार्ता कीजिए सर, देखिए वहाँ आप जो भी प्रबंधन आते हैं आप ले जाइए, आप विश्वास कीजिए, हम लोग पूरी तरह से आपको आश्वस्त करते हैं सर कि हम लोगों की तरफ से आपको किसी प्रकार का मैंने एक जरा भी मैंने वायलेंस दिखेगा नहीं, हम लोग 100 मीटर पीछे चले जाएंगे, आप प्रशासन की टीम बीच में रहेगी, उसके बाद जो हमारे 20 लोग रहेंगे वो वार्ता और प्रबंधन के द्वारा होगा। लेकिन वार्ता इसी लोकेशन में, इससे क्या होगा कि अगर मान के चलिए आज वार्ता विफल होती है तो फिर हम आंदोलन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा तो जीने और मरने का प्रश्न है। आप देख सकते हैं भले हम ड्यूटी के लिए आए, लेकिन जब मॉरलिटी की बात की जाए और अगर आपको ऑफ कैमरा बात की जाए, अगर आपसे हम अकेले बैठ के बात करें तो आप देखेंगे आपको आंदोलन सही है, क्योंकि यहाँ कैंसर से ऑलरेडी बच्चा मर चुका है, दूसरा बच्चा दिल्ली में इलाज चल रहा है, ये कंपनी कहीं ना कहीं हमारे लिए रिस्कारी है। तो वार्ता अगर होगी तो यहीं पर होगी, इसी लोकेशन में होगी, ताकि लोगों का विश्वास कमजोर हो। ऐसे बहुत सारे आंदोलन हम लोग छोटी साइज में देखे हैं, अगर लोग रांची में और मैंने अन्य जगहों का वार्ता करते हैं तो कमजोर थप पड़ जाता है। इसीलिए आपसे भी निवेदन होगा आप अपनी सुरक्षा के लिए मैंने पुष्टि रखें और हम लोग को भी भरोसा रखें ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे आपको डर और आपकी ड्यूटी पर आ जाएगी। वार्ता शांति तरीके से होगी, वार्ता नियमों के साथ होगी, बातों के ज्ञान के अनुसार होगी, लेकिन इसी वक्त आपके नंबर आप भी कॉपरेट कीजिए, हम लोग आप देखिए बाकी आपने आप भी कॉपरेट कीजिए, हम भी कॉपरेट करते हैं। कंपनी जो कई वर्षों पूर्व स्थापित हुई है वो कई पर्यावरण के जो रूल्स हैं उनका उल्लंघन करते हुए लगातार कार्य जारी रखती है। जो आयरन एंड एस्पेंस का निर्माण यहाँ हो रहा है उससे क्या होता है कि ग्रामीण जीवन बहुत प्रभावित हो रहा है, मनुष्य के साथ साथ प्राणी जगत के अलावा खेत खलिहान जो पेड़ पौधे आप देख सकते हैं चारों ओर उसे काफ़ी प्रभावित हो रहा है। इससे क्या होता है कि पिछले कुछ दिन 4-5 दिन पहले एक बालक जिसकी उम्र 8 वर्ष थी मृत्यु हो जाती है इसी कंपनी के प्रदूषण के कारण, वो कैंसर होता है। और एक बच्चा है गांव में कैंसर से पीड़ित, उसका दिल्ली में इलाज चल रहा है। तो हमारा कहना यही है कि भारत जो एक संवैधानिक देश है, आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी और लाइफ की बात करता है, उस भारत में जो हम लोग पूरा दुनिया में डंका पीटते हैं कि हमारा संविधान दुनिया का सबसे खूबसूरत सबसे विशाल सबसे बड़ा संविधान है, सबको मौलिक अधिकार देता है, यहाँ हर एक व्यक्ति को जीने की स्वतंत्रता है, यहाँ पशु पक्षियों के लिए भारतीय संविधान आर्टिकल 48 के अनुसार विशेष प्रावधान है कि उन्हें भी कोई क्षति ना पहुँचाए, लेकिन अगर ऐसा होता है तो मेरे हिसाब से बहुत दुर्भाग्य का विषय है। इसीलिए ग्रामीणों ने पिछले विगत 3 दिन से यहाँ धरना देने का कार्य किया था और धरना इसलिए दिया था कि हमारी कुछ मांगे हैं प्रदूषण को नियंत्रण किया जाए, डीप बोरिंग बहुत नीचे स्तर तक चला गया है जिससे क्या हो कि बाकी जो गांव का पेयजल है वो कहीं ना कहीं दूषित हो रहा है। तो हमारी जो मांगे थी उनके लेकर कई दिनों से यहाँ धरना चल रही थी और इसी बीच प्रशासन की टीम आती है और उन्होंने इस विश्वास से धरना को तोड़ने का कार्य कर दिया है कि जो कंपनी के ऑनर है उनके साथ वार्ता होगी और जो भी वार्ता होगी उसके बाद जो ग्रामीणों की बातें उसको मानने के बाद फिर आगे का कार्य प्रारंभ होगा। लेकिन आज किसी दी गई थी, आज का समय 3 बजे दिया गया था वार्ता करने का, लेकिन अभी तक जो कंपनी के प्रबंधन है उनके तरफ से कोई भी नहीं आए हैं, बल्कि प्रशासन काफ़ी चारों तरफ से बहुत मुश्किल है। ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी रोहता की नहीं, ये कंपनी स्थानीय प्रशासन की है। चारों तरफ से बहुत भारी संख्या में पुलिस प्रशासन ने 3 हाथों में लाठी डंडा लेके आई है, लगता है उनका इरादा लाठीचार्ज करने का है, लेकिन हालांकि थोड़ा सा भी लाठीचार्ज हुआ नहीं, एक तो बच्चों को पीटा गया है, बेरहमी से पीटा गया है। तो हम लोग भारत के लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक देश के नियमों का ही हवाला देते हुए यहाँ अपनी लड़ाई को लड़ने आए हैं। अगर फैक्ट्री से कोई व्यक्ति नहीं आता है वार्तालाप के लिए तो क्या करना, तो फिर हम लोग अगली रणनीति बनेगी और चक्का जाम रहेगा, फैक्ट्री में किसी प्रकार का उत्पादन नहीं होगा, चाहे उसके लिए लाठी चलाए या गोली चलाए, क्योंकि रामगढ़ जिले में गोली चलाना है, कंपनी में गोली चलने का भी इतिहास रहा है, फैक्ट्री में गोली चलने का इतिहास रहा है, लेकिन ऐसे तो मर रहे हैं, चाहे प्रशासन की गोलियों से मर रहे हैं, ऐसे मर रहे हैं, मौत तो हमारा ऐसे भी लिखा है, ग्रामीणों का मौत
खाते से भी लिखा है। आप देख सकते हैं गांव के रिपोर्ट कर लें, ग्राउंड रिपोर्ट सर्वे कर लें, यहाँ का चावल का कंडीशन देखें, यहाँ की साग सब्जियों का कंडीशन देखें, यहाँ के जल का कंडीशन देखें, यहाँ के खेतों का कंडीशन देखें, हम लोग ऐसे मारे जा रहे हैं। तो मौत का सामना तो हमें प्रत्येक दिन ऐसे भी करना पड़ रहा है, तो प्रशासन की लाठी और गोली का ही सामना कर लेंगे, लेकिन हम लोग इसके बाद कंपनी का निश्चितकालीन धरना होगा। ना प्रशासन की बात सुनी जाएगी, ना किसी की बात सुनी जाएगी, सीधा प्रबंधन से फेस टू फेस बात होगी। अगर प्रशासन को डर लग रहा है, प्रशासन बहुत बहुत बड़ा बाबू आके कह रहे हैं कि नहीं 20 महिलाओं को यहाँ से रांची रोड ले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आंदोलन यहाँ हो रहा है, वार्ता यहाँ होनी चाहिए। आपको भय लग रहा है, आप 100 मीटर या फिर अपने टीम की संख्या बढ़ा लें, आपके पास और भी पुलिस है उसको बढ़ा लें, अगर आपको भय लग रहा है, लेकिन वार्ता यहीं पर होगी। अगर नहीं होती है तो फिर यहाँ आप लोग हथियार लेके आए हैं क्या? जो नहीं, हम लोग सब खाली हाथ आए हैं, और हम लोग हथियार की बात फिलहाल हथियार पुलिस के पास है लाठी डंडा, और मुझे लगता है वो मूड में भी है लाठी चार्ज करने का, लेकिन थोड़ा सा ठंडा लग रहा है, बूंदा बूंदी दे रही है, इसीलिए लोग कूल है, नहीं तो मुझे लगता है बहुत उग्र दिख रहे हैं। उन्होंने आते ही लाठी भंजाने का काम भी किया था, लेकिन फिलहाल हम लोग सब खाली हाथ आए हैं, और खाली हाथ ही हैं। हमारे पास अगर कुछ है भी तो ये कागज़ है, जो उस दिन वार्ता के समय हुआ था कि 3 बजे ग्रामीणों और कंपनी ऑनर के बीच वार्ता होगी, और जो मांगे मैंने उनके द्वारा सौंपी गई है उस पर चर्चा किया जाएगा और उसका माना जाएगा। लेकिन अभी तक ना प्रबंधन के द्वारा कुछ पहल हुई है, यहाँ पर एक बड़ी पदाधिकारी भी नहीं आए, बड़ा बाबू है, बड़ा बाबू को मुझे नहीं मालूम है कि आर्टिफिकेशन क्या है, फिर बड़ा बाबू से बात करना ही बेकार होगा। कोई सवाल करो। कहीं ना कहीं आज बहुत दुर्भाग्य के विषय है कि हमने भारत में एक संवैधानिक देश में अगर इस प्रकार से अपन हक अधिकार के बचे रखने की लड़ाई लड़ रही है, और बाद में कोई सुनवाई नहीं भाई रहा है, तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है भारत की कानूनी व्यवस्था में। टिफन बनी कहीं ना कहीं ग्रामीणों के खातिर मौत के प्रमाण दे गए। आज जाइए देख सकते हैं एक बच्चा कैंसर से पीड़ित है, क्या 8 वर्ष से लग गया अपने हाथ बह गए, और ही एक बच्चा है जो दिल्ली से कैंसर का इलाज चल रहा है, मतलब ऐसा कंपनी की लाभ हो जाए, मतलब इंसान के जीवन के मैंने नष्ट कर रहा हो, तो ऐसा तो इस प्रकार से कोई विकास कार्य नहीं होना चाहिए, कोई मैंने पर्यावरण के क्षति करना, मानव जीवन के क्षति करना, क्योंकि दोषी कहीं ना कहीं प्रशासन के लोग हो, कंपनी हो जाए, गलत कंपनी के साथ दे रहा हो, तो ऐसा हिसाब से हम मानना हो कि हमें मांग है कि किसी कंपनी में जो प्रदूषण के दायरा हो अगर मैंने रूल रेगुलेशन के साथ अपन मैंने यहाँ से उत्पादन कर दिया, तो फिर कंपनी बंद कर देती, कंपनी बंद करेगा आदेश बहुत छोड़ दिए ना, आज तक अगली कंपनी से मुख्यमंत्री तक एक भूमिका को अच्छा खासा पैसा देता, तो यार समझ में ना आई मुख्यमंत्री हो चाहे कोई मंत्री हो, पैसों की जरूरत कहाँ तक मिली यार, इतना पैसा इतना इतना कंपनी करता है, इतना पैसा लोग के मराई के सलाह बर्बाद करके, इतना घटिया काम चलना चाहिए, ये सब कंपनी जीवन ना हो, जहाँ पेड़ पौधा ना हो, मैंने पठारी क्षेत्र में जहाँ उबर खबर कंकीला पत्थर के जगह, लेकिन तो पूरा चारों देखे कितना सुंदर जीव जब जन्मना हो, वनस्पति हो, पेड़ पौधा हो, तो इस सब क्षेत्र में तो चलना ही ना जैसे कंपनी, तो पूरा मैंने हर तरह से नुकसानदायक आज वार्ता ना कोई वार्ता ना आगे अगर बात करें तो निश्चितकालीन करना भी आश्वासन से उठ तो ना, जब तक सामने आएगा टेबल टॉप कंपनी में जनता जी सब साथ है, आवागमन के बंद कर दिया तो यहाँ कोई भी काम नहीं सब सारा सारा काम ठप्प हो गया।